देखिए, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं रामपुर फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। और ये जो कार्रवाई चल रही है, जो मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में होगा, हमारे संज्ञान में भी होगा, ये कार्रवाई जो है, जो जिले में या प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इसका दवा कारोबारी से या मेडिकल स्टोर से कोई भी लेना देना अभी तक सामने नहीं आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी रामपुर में दवा का कारोबार करते हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की उत्तेजना में ना आए, ना किसी तरह के दबाव में आए। ये कार्रवाई जो डिपार्टमेंट के द्वारा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है, वो सिर्फ और सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ हो रही है। और जैसा आपने बताया है कि कुछ मेडिकल स्टोर भी बंद हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि सब लोग अपने मेडिकल स्टोर खोलें और अपने दवा का कारोबार सुचारू रूप से करें और किसी तरह के दबाव में ना आए, उत्तेजना में ना आए। और अगर किसी को भी किसी तरह की परेशानी किसी भी विभाग के द्वारा होती है, तो जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र के या जिले के पदाधिकारी हैं, तुरंत उनके संज्ञान में लेकर के आए। और मैं एक बार फिर अपने रामपुर के सभी दवा कारोबारियों को बताना चाहता हूँ कि उनका किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके का कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और संगठन पूरा मजबूती के साथ अपने दवा कारोबारी के साथ है। बस जो हमारे दवा कारोबारी हैं वो अपने हमारे जो ड्रग एक्ट है उसके अनुसार, मानक के अनुसार अपना कारोबार करें और कोई भी बगैर किसी दबाव में आए अपना कारोबार को सुचारू रूप से करें। इस तरह का अभियान चल रहा है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, हम देखते हैं झोला छाप डॉक्टरों के इलाज करने से लोगों की मौत हो जाती है, तो आप कैसा देखते हैं? देखिए ये, हाँ, इस बारे में मेरा कुछ भी कहना सही नहीं है क्योंकि हम लोग दवा कारोबार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। लेकिन अगर इसकी कार्रवाई की आड़ में हमारे किसी दवा कारोबारी का शोषण किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तो संगठन इसको बिल्कुल चलना सहन नहीं चाहिए या किया। नहीं चलना चाहिए, कैसा दिशा? देखिए, जो अवैध है, अवैध हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। इसके लिए हमारा कानून है ना, नियम है, कायदे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होती रहनी चाहिए।